नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैंने बालकनी में नेट लगवाया है और साथ ही आज मैं थोड़ा सा बालकनी का मेकओवर भी करूँगी। थोड़ा सा चेंज तो होगा ही जब सारे पौधे हटाए हैं। तो ये जो नेट है ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे मेरे बास्केट टंगी हुई हैं और प्लांट्स वगैरह का डर रहता है कि नीचे ना गिर जाएँ, क्योंकि फ्लैट काफ़ी ऊँचाई पर है। तो ये बहुत डर रहता था कि कोई भी गमला या बास्केट नीचे ना गिर जाए, क्योंकि हवा वगैरह भी चल जाती है। और ये काफ़ी मजबूत है, 8-9 साल की इसकी गारंटी भी है। तो बहुत ही सही रहा, ये बहुत ज़रूरी था। और एक दूसरी बात, कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे प्लांट्स उन्होंने ख़राब भी कर दिए मेरे। और जो मैं बीज उगाती हूँ तो वो तो थोड़े से जैसे छोटे छोटे रहते हैं, तभी उनको तोड़ देते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी था। ऊपर से भी पूरा बंद करा दिया है, ऊपर से थोड़ी सी जगह थी वहाँ से भी आ सकते थे कबूतर। तो अभी वो भी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि वो प्लांट्स को ख़राब करेंगे, और जो नीचे गिरने वाली जो टेंशन थी वो भी ख़त्म हो गया। बालकनी में नेट तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि तभी हम थोड़ा खुल के कर सकते हैं कुछ काम, वरना डर रहता है कि हमारे प्लांट्स नीचे ना गिर जाएं, कोई भी बास्केट हम हैंगिंग टांग रहे हैं वो नीचे ना गिर जाए। तो अभी मैं इसमें बहुत कुछ कर सकती हूँ, और अभी मैं बहुत सारी हैंगिंग प्लांट्स भी और भी ज़्यादा टांग सकती हूँ, लेकिन काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरी बालकनी खाली करनी पड़ी है, तो बहुत ज़्यादा अभी गंदी भी हो रही है, तो पूरा क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो इंडोर प्लांट्स भी सभी हटाए हैं और ये भी, तो आज बहुत ज़्यादा काम होगा, तो थोड़ा बहुत चेंज भी मैं करूँगी। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा फ्लैट थोड़ी ऊंचाई पर है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बालकनी में थोड़ा नेट वगैरह कुछ लगवाएं। पहली बालकनी में मेरे ग्रीलिंग थी तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, मज़बूत रहती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर फ्लैट में वो हमें मिले। तो इस बार मैंने ये पीजन नेट लगवाया है। ये काफ़ी कई तरह के आते हैं, बहुत हल्के वाले भी आते हैं, काफ़ी मजबूत है और इसकी कई साल की गारंटी भी है। ये 2500 रुपये में पूरा लगा है, बहुत ही अच्छी तरह से इसको लगा के गए हैं। और सबसे जो बढ़िया बात है वो ये है कि मैं यहाँ पर अब कितने भी गमले रख सकती हूँ, बिल्कुल भी डर नहीं है कि नीचे गिरेंगे। पूरी इससे पूरी रुकावट हो गई है और नीचे से भी पूरी अच्छी तरह से बिल्कुल बंद है। तो अभी धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीज़ में अंदर अंदर कर सकती हूँ, क्योंकि पहले बस मुझे यही रहता था कि एक छोटी सी जगह है और फिर छोटी सी जगह में भी ये डर रहता है कि कुछ चीज़ नीचे ना गिर जाए। लेकिन अभी पूरी तरह से कोई ऐसा डर नहीं है कि कुछ भी हमारा भाई किसी को लग सकती है नीचे, तो ये डर रहता है। इस बालकनी की जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, छत बहुत ऊंची है इस घर में, तो इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा भी लगा है। तो पूरी तरह से फिट हो गया है मामला। अभी हम इस पर काफ़ी सारी बास्केट टांग सकते हैं, जितने भी हुक्स लगे हुए हैं ऊपर जिन पर ये नेट लगा हुआ है, ये काफ़ी मजबूत हैं, तो इन पर भी कुछ जुगाड़ करके मैं कुछ हैंगिंग बास्केट वगैरह टांग सकती हूँ। तो धीरे धीरे करती रहूँगी वो। तो अभी मैं बालकनी की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ और कोशिश करूँगी कि प्लांट्स ज़्यादा घिचपिच ना हो, जितना हो सके थोड़ा अच्छे से प्लांट्स लग जाएं। तो अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, बालकनी की सफाई हो गई है और इस बार बालकनी में काफ़ी जगह मैंने बना ली है, सभी पौधों को अच्छे से अरेंज कर दिया है और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह भी रहे। तो बहुत टाइम लगा, 1-1.5 घंटा लग गया, बहुत मिट्टी हो जाती है जब सारे प्लांट्स को हटाते हैं तो। लेकिन अच्छे से सफाई हो गई और देखिए इस पर कितने सारे गमले आ गए इस दीवार पर, बिल्कुल भी डर नहीं है नीचे गिरने का, ये बहुत अच्छा हो गया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स आ गए और कुछ प्लांट्स तो मैंने इसी के ऊपर रख दिए हैं, ये भी बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, अच्छे से बिल्कुल रुके हुए हैं। तो थोड़ी बहुत देर के लिए जो हल्के गमले हैं उनको मैं यहाँ पर भी रख सकती हूँ दिन में धूप देने के लिए, फिर नीचे रख दूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं बीच में घास लगाऊं, जो मेरे पास घास है वो काफ़ी बड़ी है, जिसको साफ़ करने में भी बड़ी दिक्कत होती है, जिसको मैंने इंडोर लगाया हुआ है। तो मैं थोड़ी सी घास बालकनी के लिए कट करूँगी उसमें से, और जो बेल वगैरह हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये जाली, क्योंकि इस पर आराम से जितनी भी मेरी अपराजिता की से बेल हैं या फिर जो कोई भी सब्जी की बेल अगर हम लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से इस पर चढ़ जाएंगी और इस पर धूप भी ज़्यादा आएगी, तो बेलों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो अभी कुछ बेल वगैरह भी मैं लगा दूंगी। तो ये बीच वाला जो एरिया है इसमें मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी घास लगाऊं। घास बहुत अच्छी रही है, पूरा 1 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। अभी मैंने इंडोर भी हटा दिया है, अभी पूरा इसको भी क्लीन करूँगी और फिर लगाऊँगी, लेकिन काफ़ी बड़ी है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है उसको साफ़ करने में। उसके 2 पार्ट हो जाएंगे तो मुझे उसको साफ़ करने में, धोने में भी फिर आसानी रहेगी कभी अगर उसको साफ़ भी करना होगा तो।
तो इसलिए मैं उसको थोड़ी सी बालकनी में यूज़ करूँगी और फिर आधी जो है उसको अंदर। तो इसको काटना बहुत आसान है। जब भी आप अगर घास को काटते हैं, आर्टिफिशियल घास अगर आप लेते हैं, तो इसको पीछे से काटें तो बिल्कुल आगे से फिर इसके जो घास है वो बिल्कुल नहीं कटेगी। बस पीछे से इसको आराम से काटते जाएं। किसी भी तेज़ धार वाले कटर को आप ले सकते हैं, उससे बहुत आसानी से देखिए इस तरह से कट जाएगा ये। तो इस तरह से आप इसको काटिए पीछे से, तो बहुत ही आराम से कट जाती है। अगर आप आगे से काटेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। और पहले लाइन बना लें सीधी और फिर कट कर दें। तो अभी मैंने आधी को कट कर लिया है और उसको अच्छे से धो भी दिया है। आज मैंने पहली बार इसको अच्छे से साफ़ किया है। वैसे मैं वैक्यूम से अच्छे से साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको धोया है, धो के साफ़ किया है। तो इतनी बड़ी को तो आराम से मैं बाथरूम में भी ले जा कर इसको धो सकती हूँ, लेकिन पहले बहुत बड़ी थी। तो यहाँ पर अभी मैंने बीच में थोड़ी बालकनी में लगा दी है, तो इससे बालकनी में भी थोड़ा ग्रीनरी रहेगी और थोड़ा चेंज हो जाएगा। थोड़े से जो पार्ट बचे थे कटे हुए, वो भी सब धो दिए हैं। और धोने के बाद इस तरह से कुछ लगा दिए हैं। यहाँ पे भी मैंने शिव जी के नीचे भी थोड़ा सा एक टुकड़ा लगा दिया है घास का, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आज मैंने टोटल जितनी भी मेरी आर्टिफिशियल ग्रास थी वो पूरी साफ़ करी है अच्छे से। पहले इसको साबुन से साफ़ किया, उसके बाद अच्छे से पानी से धोया, फिर सुखाया। तो आज मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा मेहनत वाला रहा, लेकिन काफ़ी चेंज हो गया और पूरी डीप क्लीनिंग हो गई मेरे बालकनी की भी और पूरे इंडोर गार्डन की भी, सारे प्लांट्स हटा के पूरा। तो देखिए इंडोर भी सारे प्लांट्स मैंने लगा दिए हैं। अभी बहुत ही सुंदर लग रहा है, थोड़ा बड़ा सा भी लग रहा है क्योंकि बालकनी से भी पूरा जुड़ा हुआ है ये। तो जो घास है वो मैंने बालकनी में भी लगा दी है, तो उससे काफ़ी बड़ा बड़ा सा दिख रहा है। कुछ छोटे छोटे जो प्लांट्स थे वो मैंने छोटी इस टेबल पर रख दिए हैं, और जो ट्रे गार्डन था वो भी मैंने टेबल पर रख दिया है। ऊपर से ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सा चेंज अगर हम करते रहें अपने गार्डन में, तो हमारा जो गार्डन है वो नया सा लगने लगता है। तो अभी मेरे पास ये कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, इनको मैं बालकनी में लगाऊंगी, यहाँ पर जो जगह खाली है इसमें। वैसे अगर मैं चाहती तो इसको पूरा घास को पीछे तक लगा सकती थी, इतनी मेरे पास थी। मैंने काटी है जानबूझकर ये छोटी, ताकि मैं इसको आराम से हटा सकूं, क्योंकि अगर मैं इसको गमलों के नीचे भी कर देती तो फिर इसको निकालना बड़ा मुश्किल रहता। मैं इसको रोज़ उठा के साफ़ भी कर सकती हूँ जब भी मेरा मन करे, क्योंकि गमलों से अलग है। गमलों के नीचे दब जाती तो फिर इसको रोज़ हटाना, साफ़ करना इतना आसान नहीं रहता। इसलिए मैंने ये इतनी काटी थी ताकि इसको मेरा जब मन करे मैं इसको सफाई अच्छे से कर सकूँ इसके नीचे। तो यहाँ पर मैं ये पत्थर लगा दूँगी ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। थोड़ा ये हरी घास के साथ सफ़ेद पत्थर बहुत सुंदर लगते हैं, देखिए। तो इस तरह से ये डाल दिए बीच में। तो अभी इसको उठा के, अगर मुझे कभी उठाना पड़ा तो बहुत आसान है इसको उठाना, क्योंकि सारे गमलों को हटाओ फिर इसको निकालो तो थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है। देखिए दूर से कितने सुंदर लग रहे हैं पत्थर, और बालकनी में जगह बहुत ज़्यादा हो गई है। तो पूरा पौधों को अच्छे से अरेंज करो तो जगह बन जाती है। बहुत टाइम लगा मुझे सोच सोच के सारे पौधों को सेट करने में। तो दोस्तों आज बहुत मेहनत हुई, सुबह से शाम हो गई है, लेकिन बहुत ही अच्छा भी लग रहा है देखकर। पूरी डीप क्लीनिंग हो गई है सारे गार्डन की, इंडोर आउटडोर सब। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय। जय सियाराम।